मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठंडी का मजा ले रहे होंगे, चाय कॉफी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ इतनी ठंडी लग रही है नागपुर में कि मैं क्या बताऊँ। मुनमुन कैसे देख रही हो? ऐसा लग रहा है ब्लैंकेट से उठे नहीं। और ये रेनबो देखो, वहाँ दिख रहा है ना बैठा हुआ। मुनमुन को बाहर रख रखी है, थोड़ा देर फ्रेश व्रेश होके आएगी, घूम लेती है अकेले। रेनबो नहीं, ये गया तो आया नहीं, ऐसा है। बहुत ठंडी की ब्लैंकेट से निकलने की इच्छा नहीं होती। मैं तो दो तीन चाय पी लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा घर पे काम है, तो जो होगा वो शूट करके दिखाऊंगी। और क्या बोलूँ, चलो मैं जो काम है वो भी शूट कर लूँगी, वो भी आपसे शेयर कर लूँगी। मिलते हैं, ठीक है? अभी ठंडी का मजा लीजिए। और हाँ, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से देख रहे हो कमेंट करके बताओ, कैसा वेदर है वहाँ का, कितनी ठंडी है ना, कैसे मजा ले रहे हो, सब बताना ज़रूर। ओके, ठीक है, मिलती हूँ फिर, बने रहो। तो ये जो सोफ़ा था गाइज, ये फट चुका था, मतलब नीचे का जो कपड़ा होता है ना, उसके नीचे जो क्लॉथ होता है वो फट गया था। और चूहे का बड़ा डर लगता था, चूहे हमारे घर में बड़े घुस जाते हैं वो होते ना, और बड़े सांप, उनका भी बड़ा डर लगता था। बड़े सांप है ना, वही सांप, उनका भी बड़ा डर लगता था। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ये लगे हाथ काम करवा लेती हूँ। और अब बना रही हूँ चाय गर्मा गर्म, तो आप भी आ जाइए पीने के लिए। और ठंडी का मौसम है तो मज़ा ही आएगा ना चाय पीने में। तो भैया लोग के लिए चाय बना रही हूँ, खुद मैं भी चुस्की ले लूँगी। और चाय पीने के बाद, तो ये नेक्स्ट डे का है, इवनिंग का, इवनिंग है, रात के बज रहे हैं 11। तो हाई कह रही हूँ आपको, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको पता चलेगा, आप जुड़े रहिए। रात के 11 बजे की ये बस पकड़ा था मैंने, और मैं पहुँच चुकी हूँ। कहाँ पहुँची हूँ, किस लिए, सब पता चलेगा, तो जुड़े रहिए आप। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पहुँच गई हूँ MP, और MP में क्यों आई हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, आप मेरे साथ जुड़े रहना। और किस कारण से आई हूँ सब कुछ पता चलेगा। रात का समय है, रात में मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे पहुँच गई हूँ। बहुत ठंड लग रही है, तो मैं किसके पास आई क्यों आई हूँ सब को पता चलेगा, ठीक है? आप मेरे से जुड़े रहना। ओके, पापा जी हाय हाय बोलो, हाय हेलो करो, पापा जी हाय करके जाओ, हेलो करके जाओ, हेलो। हाँ, अरे हमारी मम्मी जी लेटी हैं, देखो बहुत बीमार है मम्मी जी। अच्छा लगा मम्मी जी को देख के, बहुत बुलाई आखिर मेरे को, है ऐसा करके रो गा के बुला लेती है ये। देखो ये नहीं मानती है, ये अदरक खुद कूट रही है। ये क्या बोलते, सुबह की हम अकेले अपनी एक कप से काली चाय बना। अच्छा अच्छा, बेटी को बोली बेटा अच्छा तीनों बेटियों को ला ले, मेरे ब्याज को ला ले। अरे ब्याज को ला बुला के खुद मुद्दा कर बन के काम कर रही है, लगी पड़ी है। बोलती खबरदार तू उठी, तेरे को कसम है मेरी, सो जा, सुला दी या खुद लग गई। मैं बहुत गंदी चाय बनाती हूँ, सबको पता है मेरे घर में। सुबह पापा ने गरम गरम चाय बना के पिलाया मुझे, अब मम्मी जी लगी पड़ी है। आज खाना मैं बनाऊंगी, अगर आपने किया ना तो मैं अभी बैग उठा के निकल लूंगी। उठा के बैग निकल सकते हैं, ऐसा मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट, खाना बना दो मेरे को। अभी आएगी वो बर्तन धोएगा, मैं बनाऊंगी, बता रही हूँ। ये क्या साग, ये क्या चने का, तो ये भैया हैं अन्नू भैया, ये बेचारे काम कर रहे हैं, मतलब हाउस हेल्पर होती है ना उसी टाइप से, ये भी हाउस हेल्पर हैं। तो जो काम वाली दीदी थी उन्होंने अपने जगह इनको लगा के गए। और ये चने का साग जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, नून मर्चा लहसुन का, वो ऐसे सिलबट्टे भी पीस लो और उसको चाटते जाओ और उसको खाते जाओ। तो चने का साग मम्मी जी इनको मिला, उन्होंने ले लिया, उनको पता है मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं काट रही हूँ मम्मी जी के लिए सलाद, मतलब मॉर्निंग में वो एप्पल और अनार, गाजर, पालक, धनिया, ये मिक्स करके ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डाल के वो खाली पेट खाती हैं, मतलब चाय ले ही लेती हैं, चाय के बाद खाती हैं। तो उनका मैं सलाद रेडी कर रही हूँ।
और ये जो भाई हैं ये हाउस हेल्पर ही, इनको कहेंगे, मैं तो दंग रह गई कि लेडीज़ की जगह अब जेंट्स भी करते हैं काम, मतलब अभी अभी इनको कोई काम उम नहीं मिला तो ये काम करने लगे हैं। चलो अच्छी बात है, मतलब चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं ना, है मतलब अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, काम कोई भी बुरी नहीं होती है। तो लेकिन MP में ये ऐसे काम वाले मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे महाराष्ट्र में। अरे अरे पापा जी, और ये अनु भैया काम कर रहे, पोछा लगा रहे हैं, देखो वो बोल रहे इधर देखिए उधर मत देखिए। आपके पास शांति नहीं है, चलना नहीं, और गिरते गिरते बच गए लेकिन फिर पानी में आएंगे वो। चना के साथ में बेसन डाल रही है हमारे माता श्री, आज मम्मी जी के हाथ का सब्जी खाएंगे हम, मेरे नसीब में अब मम्मी जी के हाथ का है। तो भाई का सारा काम निपट गया, अभी एक धो रहे हैं कपड़े, और मम्मी जी बोली चल बाहर धूप में, तो धूप में ले आई थोड़ी देर खड़े होने के लिए। तो गाइज मैं यहाँ रही तो थोड़ी देर में ये देखी मुनमुन की याद आ गई। चल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, अपना ध्यान।